रोज की तरह इस सत्र में हम लोग दो तरह का काम करेंगे। इस सत्र में भी हम लोग दो तरह का काम करेंगे। एक काम तो ये कि जितनी चर्चा हुई है नेचर को लेकर के, उस संदर्भ में कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो सुबह के सत्र में अभ्यास दो के स्टेप वन और टू को जो इंट्रोड्यूस किया था, बचे हुए समय में उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो मुख्यतः ये दो काम इस सत्र में करेंगे। तो जो पहला भाग है उसका, उसमें तीन तरह के काम करेंगे। एक तो ये कि पूरे अस्तित्व को अगर समझने जाते हैं तो ये ध्यान में आता है कि पूरे अस्तित्व में दो तरह की वास्तविकताएं हैं। प्राथमिक तौर पे देखनी जाए तो कि स्पेस है और दूसरा यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। इकाइयों को भी देखने जाते हैं तो दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चेतन। तो अब मिला के देखें तो ये कहेंगे कि पूरे अस्तित्व में तीन तरह की वास्तविकताएं हैं, एक स्पेस, एक जड़ और एक चेतन। सुबह बैठकर हम लोग चैतन्य को देखने का अभ्यास तो कर ही रहे थे, जड़ को भी देखने का अभ्यास कर रहे थे। तो जो शरीर को देख रहे थे बैठ करके, जो शरीर की क्रियाएं दिख रही थी, वो किसको देख रहे थे? कई बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग जड़ को बिल्कुल ही नहीं देख रहे थे, एक तरह से अपने किसी भी सेंसरी ऑर्गन का कोई प्रयोग नहीं कर रहे थे, सीधे सीधे कल्पनाशीलता को देख रहे थे। तो फिर किसको देख रहे थे? तो एक काम तो हम लोग करेंगे अभी, जो छोटा सा आपस में एक ओपन सेशन ये करेंगे कि पूरे अस्तित्व में देखने जाएं तो बहुत सारी इकाइयां दिखती हैं, बहुत तरह की इकाइयां दिखती हैं। तो ये कैसे हम लोग उसको पहचाने कि किन इकाइयों में सेल्फ है और किन इकाइयों में सेल्फ नहीं? कुछ का तो हमें साफ साफ पता है, कुछ का अनुमान है, है ना? तो एक तो इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि कुछ कुछ इकाइयां जो आपके ध्यान में आती जाए उस पर हम लोग आपस में चर्चा करें कि उसमें चैतन्य है या नहीं, उसको कैसे हम लोग पहचानें। एक काम ये करने का है। दूसरा काम ये करने का है कि इकाइयां पूरे अस्तित्व में लगभग कितनी होंगी। एक शब्द बोलना पड़ता, अनंत। अब ये अनंत इकाइयों को समझने जाए तो कितनी शरीर यात्रा लगाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अनंत इकाइयों में, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। जैसे अभी आदमी देखेंगे तो 800 करोड़ आदमी है, लेकिन आदमी में कुछ कॉमन चीजें हैं जो सब में एक जैसी हैं, और कुछ विविधता है। तो कितना इंटरेस्टिंग विविधता है। अभी हम 100 लोग बैठे हैं, 100 के चेहरे अलग अलग हैं, कुछ इक्वलिटी के हिसाब से सोचे तो कहें तो भेद है, सबके चेहरे प्रकृति एक जैसा बना दे तो बढ़िया हो जाए, है? तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये जो अलग अलग भी है, जो विविधता भी है, इसका भी अपना एक महत्व है, और हम में आप में कुछ कॉमन है उसका भी एक महत्व है। तो अगर सभी आदमी में जो कॉमन है उसका अध्ययन करना है तो सभी आदमी को एक समूह में रख दिया, क्या नाम दिए? ज्ञान अवस्था। ऐसे पेड़ों को भी देखने जाएं तो कोई भी दो पेड़ एक तरह के नहीं दिखते, आम के ही दो पेड़ एक तरह के नहीं दिखते, और ऐसे जाने कितने पेड़ है। तो उसमें भी कुछ विविधता है और बहुत कुछ कॉमन है, तो उसको भी एक समूह में रख दिया। तो इस तरह से टोटल कितने समूह बनाए हम लोगों ने? 4। तो चारों समूह का अध्ययन करते समय किस इकाई को किस समूह में रख रहे हैं, है ना? पेड़ को कहाँ रख रहे हैं, घास को कहाँ रख रहे हैं, वो जो पानी के अंदर सवाल हो जाता है, काई हो जाती है, उसको कहाँ रख रहे हैं, मत्स्य को कहाँ रख रहे हैं, मक्खी को कहाँ रख रहे हैं, वायरस को कहाँ रख रहे हैं, नहीं? अब ये सारा चीज देखना पड़ेगा ना। तो हम बताएंगे कुछ नहीं, सिर्फ हम सब मिलकर देखेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आप इकाई का नाम बताएं और मैं बताऊं वो कहाँ आएगा। जी हाँ, तो हम ही लोग इकाई का नाम बताएंगे और हम ही लोग ढूंढेंगे कि वो कहाँ आएगा।
हर एक के लिए ढूंढ ले, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ का तय हो पाए, कुछ का तय ना भी हो पाए, आगे चल के तय होगा, उस ओपननेस से चलेंगे। और एक तीसरा काम ये करेंगे कि कोई भी इकाई है, तो हम लोग जब ज्ञान पर चर्चा कर रहे थे तो ये बात किए थे कि ज्ञान का मतलब है कि जो वास्तविकता जैसी है उसको वैसा ही देखें। तो किसी भी वास्तविकता को जब जैसा है वैसा देखने जाते हैं तो उसकी पांच चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका धर्म और उसका परम धर्म। तो भिन्न भिन्न इकाइयों को हम लोग उदाहरण के तौर पर लेंगे, तो जैसे ये दिख रहा है, अब इसके चारों पांचों चीजों को देखना हो, रूप गुण स्वभाव धर्म, तो कैसे देखेंगे? मैं सामने एक इकाई के रूप में बैठा हूँ, मेरा रूप गुण स्वभाव धर्म ये सब देखना हो तो आप कैसे देखेंगे? पशु को ले आए, है ना, शेर को ले आए, फिर गाय को ले आए, उन सबको कैसे देखेंगे हम लोग उसका रूप गुण स्वभाव धर्म? फिर किसी भी इकाई को ले आए उसका भी एक अभ्यास करके हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों अभ्यास किया जाए या इसमें से किसी को कम ज्यादा कर लिया जाए? तीनों को किया जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, उस पर थोड़ा कम समय लगाएंगे। अच्छा, तो उस पर थोड़ी चर्चा कम कर लेंगे। तो मेरा अपना अनुमान है कि अभी 45 हो रहा है, 2:45, तो लगभग 45 मिनट से 50 मिनट तक हम लोग लगभग इस पर समय लगा लें तीनों एक्सरसाइज में। लास्ट के 20-25 मिनट हम लोग अभ्यास 2 पे लगा लें, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो मुख्य बात जो चर्चा से हम लोगों ने निकाला है, पूरे अस्तित्व को अगर जिस रूप में देखने जाए, अस्तित्व कैसे लिखेंगे जी? बताते रहिएगा। तो व्यापक और इकाइयां, ठीक लिखा हूं? और इकाइयों में भी दो तरह की इकाइयां, जड़ और चैतन्य। तो पहला काम तो यही करना है हम लोग को, भिन्न भिन्न इकाइयों के लिए देखने का प्रयास करना है कि किसमें चैतन्य है और किसमें चैतन्य नहीं। तो कुछ इकाइयों के नाम मैं लेता हूं, नाम मैं ही लूंगा, जरूरी नहीं आप भी नाम ले सकते हैं। तो हम लोग घर में जिन जानवरों को देखते हैं, जैसे बिल्ली, क्या है? नहीं है। चूहा, मच्छर, सांप, ये उदाहरण बता रहा हूं, फिर एक एक पे सर्वे करेंगे हम लोग। वो जो कीड़ा बाथरूम में कल आ गया था सुबह सुबह उसमें, तो इस तरह से एक एक इकाइयों का हम लोग नाम लेंगे और उस पर अपना एक सर्वे करेंगे। तो जैसे पहली इकाई का मैंने, आप भी इकाइयों के नाम जोड़ते जाइएगा, सारे इकाइयां मैं ही जोड़ूंगी, है ना। एक इकाई हम लोगों ने लिया बिल्ली, तो बिल्ली में सेल्फ है ऐसा कितने लोगों को लगता है? लगभग सभी को लगता है, ठीक। चूहा में सभी को लगता है, मच्छर में कुछ लोगों को लगता है, और ये जो आजकल बरसात में बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं उनमें, मछली में क्या रखें? मछली में सेल्फ है नहीं? जी, आप लोग अब कुछ इकाइयों के नाम बोलिए, बाकी लोग उस पर ओपिनियन देंगे। छिपकली, उन्होंने नाम लिया छिपकली में, छिपकली में, कबूतर, एक एक
एक एक एक को करके चलते हैं, एक एक को, एक एक। इन्होंने छिपकली कहा, छिपकली में है क्या? है। कितने लोगों को लगता है छिपकली में सेल्फ है? अच्छा, पर्याप्त संख्या। इन्होंने कबूतर का नाम लिया था, कबूतर में मुर्गी। हाँ, किसमें? सूर्य और चंद्रमा कहाँ रखे? जड़ में। तो उसमें तो सेल्फ नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, जड़ ही है, सेल्फ नहीं। अब प्रश्न ये है कि अगर कुछ और इकाई आप लोग बोलना चाहते हो तो आप लोग को दो चार मिनट का अवसर दे देता हूं। दाल चावल जड़ सेल्फ है कि नहीं? अभी मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं। पेड़, पेड़ में हम में से कितने लोगों को लग रहा है पेड़ में चैतन्य है, सेल्फ है पेड़ में? कुछ लोगों को लग रहा है जी। क्या कह रहे हैं? अंडा। हाँ, अंडा में सेल्फ है? देसी मुर्गी का अंडा है तो उसमें है। अब देखिए, इन सारी चर्चाओं के बाद अब मूल प्रश्न ये बनता है कि किस इकाई में सह और किस इकाई में सेल्फ नहीं है, इसको तय करने का आधार क्या है? किस आधार पर हम तय कर रहे हैं कि सेल्फ है और किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं? वही तो, अभी इन सारे प्रश्नों का ही उत्तर ढूंढना हम लोग को। प्रश्न यह है कि किन इकाइयों में सेल्फ है और किस में सेल्फ नहीं है, ये तय करने का आधार क्या है? जी, तो इन्होंने कहा जीने की आशा, एक बात तो ये कहा उन्होंने, और मेधास, जानना पहचानना उसके आधार पर, जानना मानना उसके आधार पर, पहचानना और निर्वाह। तो पहचानना निर्वाह करना तो हर इकाई में चल रहा है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चैतन्य हो। मानना चाहे बिना जानना के हो या जानने के साथ मानना हो। तो जिन जिन इकाइयों में ये जानना मानने की क्रिया है पहचानने निर्वाह करने के साथ, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि सेल्फ। मानव का अध्ययन कर रहे थे तो रिस्पॉन्स का अध्ययन किए थे, तो जड़ के बारे में ये कहा था कि वहाँ पर पहचानना निर्वाह करना है, शरीर जड़ है। और सेल्फ के बारे कहा था वो चैतन्य है, वहाँ पर जानना मानना पहचानना निर्वाह करना तीनों। तो एक तरह से जो जानना और मानना है ये चैतन्य इकाइयों का एक तरह से आधार है पहचानने का। अब ये प्रश्न कैसे चिन्हित करें हम कि किन इकाइयों में जानना मानना है और किन में जानना मानना नहीं है, ये कैसे देखें? तो जैसे आदमी में देखेंगे तो जानना मानना अपने लिए तो हम कह ही सकते हैं, औरों के लिए भी कह सकते हैं। बाकी इकाइयों में जानना और मानना है कि नहीं है उसको किस आधार पर हम तय करें? तो मेधस के लिए तो उसका सर फोड़ के देखना पड़ेगा ना। तो यस, तो एक तो जो इन्होंने कहा कि अगर उसमें कम से कम मानने की क्रिया है, तो अगर मानने की क्रिया है तो उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेन हो सकता है ना, आपके बारे कुछ और मान सकता है, एक तरह की ट्रेनिंग के बारे कुछ मान सकता है। तो जिनमें भी ये मानने की क्रिया है जिनकी ट्रेनिंग हो सकती है या जिनकी ट्रेनिंग हम कर पा रहे हैं या जिनकी हो सकती है, एक तो पहचान ये है कि उसमें सेल्फ है। तब इसके आधार पर थोड़ा देखते हैं, तो बिल्ली का ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसमें मानना है, मानना तो दिखता ही, आप पालते हैं तो आपको मालिक मान लेती है, दूसरे को नहीं मानती। कुत्ते में भी देखें तो नहीं। मच्छर में नहीं।
नहीं, आप अपने घर में मच्छर पालें, आपको ना काट कुत्ता बिल्ली तो आपको नहीं काटता। हमारे घर में ही मच्छर पला, हमको ना काटे। बोले आप तो मेरे अपने, आपका खून पी के अपराध क्यों करना। तो मच्छर में ऐसा मानने की क्रिया कुछ दिखाई देती है कि नहीं देखती, उसका एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अभी क्या अनुमान बन रहा है? नहीं। एक इवोल्यूशन स्टेज में आज के दिन क्या स्थिति है? आज के दिन तो नहीं, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि मच्छर में सेल्फ नहीं। अभी उस पर लौट के आते हैं। अभी एक अब मच्छर से आगे बढ़े अगर तय हो गया हो तो। दो महत्वपूर्ण बातें हैं मच्छर के संदर्भ में, मच्छर के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जो इन्होंने कही कि पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का भी कुछ उसके साथ वो है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है मच्छर के साथ, है ना, कि एक बार उन्होंने आपके वाइफ को काट लिया और पेट भर गया उसका तो दोबारा तो तभी काटेगा जब उसको भूख लगे। ऐसा नहीं होता, दोबारा भी काटता है, पेट भरा हो तो भी काटता है। नहीं, मैं तो देखता हूँ मच्छरदानी में अगर मच्छर घुस गया है और उसका पेट खून से भरा हुआ दिख रहा है तो कहीं कोने में बैठ के आराम करता हूँ, फिर वो वापस अटैक नहीं करता है। एक और लेकिन महत्वपूर्ण बात है, ये तो दो बातें हो गई जो इंडिकेट कर रही सेल्फ नहीं है, लेकिन एक बात और इंडिकेट कर देता हूँ कि हम लोग इतने विकसित प्राणी होकर, धरती के विकसित प्राणी का दावा करते हैं, रात में सोते हैं वो मच्छर ढूंढ के आके कान के पास ही भनभनाता है, और जब कान के पास भनभनाता है तो हम पर्याप्त कोशिश करते हैं कि वो भाग जाए, मार दें उसको, जाने कितने प्रयासों के बाद भी थप्पड़ हो सकता है हम ही को लग जाए, मच्छर बड़े इंटेलिजेंसिया से बच जाता है। ये बिना सेल्फ के हो जा रहा है क्या? कुछ तो है उसमें, है? तो वो क्या है? तो वो देखेंगे तो वो पहचानना, निर्वाह करना है उसका। वो हवा के दबाव को पहचानता है, अकॉर्डिंगली निर्वाह करता है। तो आप हाथ चलाएं तो भी वैसे ही निर्वाह करता है, दूसरा हाथ चलाए तो भी वैसे निर्वाह करता है ना। अब आते हैं अगली इकाई पर। तो अभी उसको फिक्स कर देते हैं, घर में जो छिपकली दिखाई देती है उसकी बात करते हैं। जो लोग सबसे अवेयर हैं उसी काई पे ठीक से बात हो पाएगी। उसमें क्या है, है? आप उसको सीधे देखते हैं कि उसमें कुछ मानने की संभावना किसी रूप में दिखाई देती है क्या? वो तो एक तरह से पहचानना, निर्वाह करना है। हाँ, कि पहचानना, निर्वाह करना है उसका। बॉडी पे एक तरह का दबाव पड़ा तो एक तरह का उसके निर्वाह हुआ,
लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपके घर की छिपकली है, आप झाड़ू उस पर चलाएं तो वो नहीं करेगी, दूसरा आदमी आके कराए तो करेगा, ऐसा भेद दिखता है या वो एक जैसा ही करता है? तो फिर वो पहचानना निर्वाह करना कहेंगे, नहीं मतलब हम सहमत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जी वही वही तो जिन भी इकाइयों को वो अपने शरीर के पोषण के अर्थ में देख पाती है उसको पहचानती है, निर्वाह करती है, उसको पहचानती है और निर्वाह करती है। वही तो लाइट को पहचानती है और निर्वाह करती है। तो अब लाइट के मतलब नहीं, पहचानना सेल्फ की निशानी नहीं है, पहचानना तो एक तरह से जड़ इकाइयों में भी है ना, लेकिन उसका और एक्सप्लोर किया जाए, अगर उसमें मानना जैसा है तो फिर कहना पड़ेगा कि उसमें सेल्फ है ना, तो इसको और ध्यान से वॉच किया जाए ना। ऐसे ही देखेंगे तो एक और वो है ना, शेर के बारे क्या सोचते हैं? उसमें और एक और देखें तो जैसे कोई भी पेड़ देखें, उसमें पेड़ कोई भी अब सेल्फ है, जैसे जी तो ये तो इस तरह से दिखता है कि जब हम साउंड जनरेट कर रहे हैं तो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है जो कि फिजिकल थिंग है, उसका पहचानना निर्वाह करना दूसरे फिजिकल ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, तो उस रूप में तो उतने मात्र से नहीं हम लोग सिद्ध कर सकते कि उसमें सेल्फ है। ये ठीक है कि म्यूजिक को का एक तरह का जो फ्रिक्वेंसी है वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, लेकिन वो इटसेल्फ अभी पहचानने निर्वाह करने की ही कैटेगरी में आएगा। लेकिन कुछ पेड़ हैं जिनके बारे डाउट होता है, जैसे एक पेड़ है छुई मुई, कई जगह उसको लाजवंती भी बोलते हैं, तो आप छूने जाइए तो सिकुड़ जाती है, इवन उसकी डाली तक नीचे झुक जाती है, मतलब वो जो डाली जिससे होता है वो तक नीचे झुक जाती है, तो उसको क्या कहें, कैसे कहें पहचानना निर्वाह करना? हाँ लेकिन एक पेड़ उसके बगल में आके खड़ा हो जाए उसके तो नहीं बोला जाती, एक दूसरा पेड़ का पत्ता गिर जाए या एक पेड़ उसके बगल में खड़ा है उससे तो नहीं वो इस तरह का करती है? हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि उस लाजवंती या छुई मुई के पेड़ को आपने लगाया है तो उसका मानना ऐसा हो जाए कि आप ही ने उसको लगाया है, आप ही उसके पालन करता है, आपसे क्या लगाए, कोई दूसरा छुए तो मुरझा जाए, आप छुए तो ना मुरझाए, ऐसा उसमें भेद नहीं दिखता, मानने जैसा नहीं दिखता, कोई भी मानव उसको छूता है तो वैसे ही उसका निर्वाह करना हो जाता है, कोई पशु छूता है तो ये निर्वाह होता है कि नहीं वो चेक करने की बात है, वो तब उसके साथ भी ऐसी करता है पेड़, वो उसको चेक कर सकते हैं घर में अगर किसी ने लगा रखा है तो। आते हैं एक मिनट, ये आते हैं मधुमक्खी में, ये बात तो हुआ ना कि इस वाले पेड़ में तो नहीं है, है ना, एक और पेड़ होता है ना जो कीड़े को ही खा जाता है, क्या बोल रहे हैं उसको, हाँ उसके बारे क्या सोचते हैं? सेल्फ, वो भी एक तरह का पहचानना निर्वाह करना है, जिन भी कीड़ों के साथ उसका पोषण का पहचानना निर्वाह करना करता है उसके रेंज में आते हैं तो सेम गतिविधि करता है, ऐसा नहीं कहता है कि तुम कीड़े मेरे जड़ में ही पले बढ़े तुमको छोड़ बाकी को खाऊंगा, तो मानना उसमें देखेंगे तो नहीं दिख रहा, पहचानना निर्वाह करना ऐसा दिख रहा है, तो जड़ में ही रखेंगे उसको। और उदाहरण कोई और कोई नाम ले रहा था, मधुमक्खी, हाँ
मधुमक्खी को कहाँ रखा जाए? जड़ में रहेगा, पहचानना निर्वाह करना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई मधुमक्खी, कोई आदमी जाके छत्ते को जब छेड़ता है, उस आदमी को बड़ा दौड़ा दौड़ा के काटती है, 5-5 किलोमीटर दौड़ा के काटती है। अब उसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, तो कहाँ रखें मधुमक्खी को, कहाँ रखें? जड़ में, चैतन्य में। तो ऐसा क्या कहीं पर कुछ हम लोग देख पाए हैं कि मधुमक्खी का थोड़ा ट्रेनिंग हो पाता हो? ट्रेनिंग आई मीन कि कोई आदमी अपने ढंग से उसको ऐसा वही, तो मतलब उसको भी देखना पड़ेगा कि मतलब उस आदमी के ऊपर जो मधुमक्खी बैठ के उसने पाल रखा है, जो भी उसको क्या प्रक्रिया किया है उसने, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब इन जनरल वो मधुमक्खी सभी लोगों के साथ इस तरह का कर पाती है, ज़्यादातर लोगों के साथ पैसा काम कर पाए, या कोई स्पेसिफिक ढंग से वो पहचानना निर्वाह करना करवा रहा है कि कोई गंध लगाता हो उसके माध्यम से वो उसके साथ जी। हाँ ये क्वीन मक्खी के लिए भी अपने को अध्ययन करना चाहिए कि उसमें सेल्फ है कि नहीं। प्राइमा फेसी हमको तो ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन एक्सप्लोर करें इसको। वो तो खैर एक अलग तरह की मधुमक्खी होती ही है, जिसको बहुत छोटी मक्खी, घरेलू मधुमक्खी बोलते हैं उसको। वो सामान्यतः गांव के में भी लोगों के घरों में लगा देती है, नहीं खाती है। ऐसे फूंक के और शहद निकाल के देखा, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं फिर वो। हाँ तो उतना भर तो नहीं उसको कह सकते। हाँ बट इसको एक्सप्लोर करें। प्राइमा फेसी तो ऐसा लगता है कि उसमें नहीं, और किसी इकाई का जांच परख करना हो तो ले आए, अन्यथा अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। मछली पे थोड़ी बात कर लेते हैं। यस, क्या लगता है मछली के बारे तो भी में देखेंगे तो कुछ मछलियां तो ऐसी हैं जिनकी ट्रेनिंग हो पाती है, उसमें फिर सेल्फ है, पहचानना निर्वाह करना है, मानने के साथ पहचानना निर्वाह करना है। तो डॉल्फिन के बारे कह रहे हैं, वेल के बारे कह रहे हैं, बट बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं उनमें बहुत पहचानना निर्वाह करना ही दिख रहा है, मानना नहीं दिख रहा है, उसमें फिर सेल्फ नहीं है कहना पड़ेगा। सांप में भी ऐसे ही है, सांप में भी देखेंगे तो सभी सांपों में मानना है ऐसा नहीं है। जैसे नाग है, नाग में मानना बहुत स्ट्रांग है, तो उसका मतलब उसमें सेल्फ है, है? मतलब ना कुछ सांपों के बारे तो मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि उसका मानना काफी, बट ये सब एक्सप्लोर करने का ही है। तो मैं कह रहा हूँ इसको मानिए नहीं, इसको एक्सप्लोर ही करिए। वही मतलब कुछ सांपों के बारे तो ऐसा कहते हैं कि उसमें मानने जैसी प्रक्रिया कुछ है, बट कितना है मैं कहते हैं, मैं कह रहा कहते हैं इतना ही कह रहा हूँ, बट कितना है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। वो एक अलग भाग है, वो एक अलग भाग है। तो जैसे मतलब ये कहानी दिखती है ना कि किसी ने मारा है नाग को, तो उसको पहचान के एक अब वो पता नहीं कितना सही है ये भी नहीं मालूम। अगर वो सही है तब तो बहुत स्ट्रांग है उसका, अगर सही नहीं है तो नहीं कह सकते। तोता जी, तोता के बारे क्या लग रहा है? ट्रेन किया जा सकता। कबूतर है? कछुए का क्या संभावना है? ट्रेनिंग हो पाती है? है? अच्छा, अगर हो पाती है तो कहना पड़ेगा। एक और इसमें पहचानने का तरीका है, ये तो
इन इकाइयों के बारे पहचानने का जो तरीका है, एक तो ये था, क्या था, जानना मानना उसको देख पाना। ये क्या एक्सटर्नल किसी बॉडी की एक्टिविटी को देख के था, थोड़ा इंटरनली देख के भी कुछ इंडिकेटर्स, जैसे सेल्फ उन्हीं बॉडी के साथ एसोसिएट हो पाता है जिनमें समृद्ध मेधा से, मतलब एक विकसित मेधा से ब्रेन है, तो जिन इकाइयों में ब्रेन नहीं है उसमें तो सेल्फ नहीं है। तो ये तो फिजिकली काट पीट के देखने की बात। ब्रेन के साथ कुछ और एलिमेंट भी बताते हैं कि भाई अस्थि पंजर उसमें हो, मांस हो, मज्जा हो, रक्त हो, है ना, इस तरह से कुछ और सात चीजों का समूह बताते हैं। हाँ, कहते हैं कि मेधस विकसित होता है। हड्डी वाला जो आपने कहा, हाँ, अस्थि में क्या हड्डी नहीं होती, सेगमेंटेड बॉडी ऐसे चलता है, नहीं नहीं हड्डी होती है, हड्डी होती है, हड्डी होती है, फ्लेक्सिबल है बट हड्डी होती है। सांप में हड्डी होती है, सांप केचुए जैसा नहीं है बट ठीक है, ये सब जांच। तो ये कुछ इंडिकेटर्स। अब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जड़ में दो तरह की अवस्थाओं का अध्ययन किया हम लोगों ने, एक पदार्थ अवस्था और एक प्राण अवस्था, और चैतन्य में तो सेल्फ के बारे जो अध्ययन किया। तो ये प्राण अवस्था की ही दो विकसित इकाइयां मानव शरीर और पशु शरीर। तो मानव शरीर और पशु शरीर जब एसोसिएट हो रहा है तो उसको दो अवस्थाओं का नाम दे रहे हैं, एक तो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो चार तरह की अवस्थाओं का हम लोगों ने प्रकृति में अध्ययन किया जी। हाँ, तो अब उनको देखते हैं कि ये पेड़ पौधों को कहां पर रखेंगे, इन तीनों चारों अवस्थाओं में पेड़ पौधे को कहां रखा जाए। प्राण अवस्था में, प्राण अवस्था की पहचान क्या है, उसमें ग्रोथ है, है ना, ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है उसमें, है ना, ये श्वसन प्रश्वसन भी हो रहा है, साथ साथ ग्रोथ भी है। तो ऐसी सभी इकाइयों को कहां रख रहे हैं, प्राण अवस्था। लेकिन मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती इसमें, मानने की क्रिया नहीं दिखती, है ना, तो इसलिए पेड़ में देखेंगे तो मानना नहीं है, तो उसको हम इधर नहीं रख सकते, है ना। और मच्छर को कहां रखेंगे तो मच्छर को कहां रखेंगे, तो यहां तो रख नहीं रहे क्योंकि सेल्फ नहीं है, तो अब कहीं तो रखना पड़ेगा उसको तो यहां रखें कि यहां रखें, यहां की इकाई है ना। तो जैसे मानव शरीर को भी कहेंगे तो वो कहां रखेंगे उसको, मानव का शरीर भी कहां आ रहा है, प्राण अवस्था, पशु का शरीर भी प्राण अवस्था, वो सब जड़ इकाइयों में भी कौन सी, प्राण अवस्था। चने को कहां, चने के पेड़ को कहां रखेंगे, चने के पेड़ प्राण अवस्था में, चने का फल जब तक हरा है, अब उसको भून दिया, अब वो कहां आ गया, क्यों पदार्थ अवस्था में आ गया, अब उसमें ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी थी वो हमने, चना हरा था सूख गया लेकिन भूना नहीं है, अभी हमने सूखा चना घर में रखते हैं ना, मतलब दो सूखने की दो कैटेगरी है, तो भून दिया, एक चना हरा तो नहीं है लेकिन सूखा लिया गया है, सूखा हुआ है, वो बढ़ेगा, हाँ वही, तो उसमें टोटल बात इतनी है कि वो उसमें अभी भी ग्रोथ का है ना पॉसिबिलिटी है, तो जब वापस पानी में डालते हैं तो फिर वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है, तो कहां रखें उसको, और चने को भून के पीस दिया तो परमानेंटली कहां गया तो फिर वही आ गया वो बेसन यहां आ गया
सत्तु यहाँ आ गया। हाँ, वायरस को कहाँ रख, वायरस जो है ना बैक्टीरिया फंगस ये सब सब यहाँ आ, प्राण अवस्था में ग्रोथ उसमें है ही और रेस्पिरेशन भी चल ही रहा है, मानने की क्रिया नहीं, तो यहाँ है। और आम का फल बताइए, आम के फल में देखेंगे। हाँ तो वही, वो आम का फल गुठली के साथ जब तक गुठली में जर्मिनेट होने की संभावना है तब तक तो वो प्राण अवस्था में। अब आपने उसको उबाल दिया, फल भी उबाल दिया, उसकी गुठली भी उबाल दिया, अब वो कहाँ आ गया? रेस्पिरेशन किस में नहीं हो रहा? हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, जैसे भुना हुआ चना है उसमें नहीं हो रहा है, लेकिन जो चना शुष्क है बिल्कुल सूखा हुआ लेकिन भुना हुआ उसमें बहुत कम हो रहा है, तभी उसमें वो पॉसिबिलिटी जो ग्रोथ की है वो थोड़ी बची हुई है। भिगोया तो थोड़ा बढ़ गया, वापस वो और बढ़ गया उसमें, फिर वो होने लगा, तो उसका वेरिएशन कम ज्यादा है। चूहा, चूहा में देखिए अगर ये तय हो गया कि उसमें सेल्फ है तब तो फिर उसको यहाँ लेके जाता, अगर सेल्फ नहीं है तब तो पूरी तरह से यहाँ है, और अगर सेल्फ है भी तो भी उसका शरीर तो यही है, अगर सेल्फ है नहीं है तब तो फिर पूरी तरह से यहाँ रखना पड़ेगा। भाई मैंने इसीलिए कहा कि है कि नहीं वो आप तय करिए। हाँ मैंने कहा कि अभी चूहे के बारे थोड़ा देख लें, उसका ट्रेनिंग हो सकता है, अभी तक तो मुझे लगता है कि उसका ट्रेनिंग का बहुत कोई प्रमाण मिला नहीं। किए गए एक्सपेरिमेंट तो एक अलग बात है, एक्सपेरिमेंट तो आप हाइड्रोजन परमाणु पे भी कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि उसमें सेल्फ है। किए जाते हैं, बिहेवियरल का मतलब यह है कि एक पदार्थ अवस्था पे कुछ प्रयोग कर रहे हैं, उससे उसका जो कंडक्ट में चेंज आ रहा है उसको आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। वही उसको तो ठीक से देखना पड़ेगा, कभी दो चार चूहे घर में पकड़ के इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा करें। नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि अगर घंटी की आवाज़ के साथ उनका पहचानना निर्वाह करना बदल रहा है और मानना आ जा रहा है कि उस आवाज़ को विशेष मान, जैसे क्या है ना उसको इस ढंग से देखेंगे कि आपने बिल्ली पाला उसका नाम रख दिया पूसी, अब वो ध्वनि कहीं भी करिए तो दौड़ के आ जाती है, उस फ्रिक्वेंसी के साथ उसका मानना जुड़ गया, लेकिन उसकी जगह नाम चिल्लाइए तो नहीं आती है। ऐसा अगर चूहों के साथ भी संभव है तो फिर कहना पड़ेगा कि उसमें सेल्फ है। वही मतलब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा अभी, और थोड़ा क्लोजली उसको अध्ययन करना पड़ेगा कि वो किस लेवल का है। तो जैसे मच्छर के साथ है ना कि आप हाथ दे रहे हैं तो उसमें एक वेव हवा में प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके साथ उसका पहचानना निर्वाह करना बदल रहा है ना, वैसे ही अगर है वो प्रयोग तब तो कहना पड़ेगा नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर तरह की ध्वनि के साथ जुड़ गया उसका कोई एसोसिएशन जैसे नाम के साथ, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको एक्सप्लोरेटिव मोड में ही अभी रखें, उस एक्सपेरिमेंट को ठीक से पढ़ें। बहुत सारे हम लोगों के बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो कार्टून बिना देखे बड़े हुए हैं, उससे कंफ्यूजन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है जी, तो वो प्रॉब्लम तो वैसे ही है। एक एक करके सुनेंगे तो सुन पाएंगे जी। जिसमें चूहों के साथ में मतलब ब्रेन के साथ एक हार्डवेयर जोड़ा गया है इंफ्रारेड का, और उसके थ्रू चूहों को ये देखा गया है कि एडिशनल हार्डवेयर अगर हम जोड़ रहे हैं उसमें जो है ना इंफ्रारेड सेंसर जोड़ा गया था जिससे जो है ना चूहों के दिमाग को सिग्नल मिल सके, इंफ्रारेड लाइट जलाई गई है और उसके पास में खाना रखा गया है, तो ये देखा गया है कि चूहे उसकी तरफ मतलब जा रहे हैं खाने की तरफ इंफ्रारेड लाइट से गाइड होते हैं, तो क्या इसे माने कि चूहों में सेल्फ है अगर इस तरह से बताए? अभी और थोड़ा मानना और पहचानने में अंतर को देखना पड़ेगा। इंफ्रारेड को पहचान कर निर्वाह तो किया जा सकता है लेकिन उससे सेल्फ का प्रमाण नहीं हो सकता,
एक तरह के इंफ्रारेड को मान ले विशेष, या आपके इंफ्रारेड जलाने को विशेष मान ले, दूसरे के इंफ्रारेड जलाने को अलग मान ले, अब वहाँ मानना आएगा। खाली इंफ्रारेड के साथ हो रहा है तो फिर वो पहचानने जैसा, फिर वहाँ नहीं पहुँच सकते। उसको भी देखेंगे तो वो पहचानना निर्वाह करना है। वो ऐसी मधुमक्खियों में भी देखेंगे तो उसमें, और ये जो पीली वाली जो ततैया होती है उसमें भी कई बार होता है। तो पहचानने निर्वाह करने जैसा है। मगरमच्छ है? हाँ, तो बताए क्या है तीनों की इच्छा में? उसको देखते हैं, जैसे मच्छर में जीने की आशा है ना? आते हैं, ये दो प्रश्न हो गए अलग अलग। इनका प्रश्न ये है कि पशुओं को भी देखें तो वो सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, तब उनको भी भाव चाहिए, ये सब चाहिए, तो उनको और मानव को अलग अलग फिर क्यों करें, दोनों को एक साथ कर दें। एक बात तो ये दिखाई देती है। और एक जो भाई साहब का प्रश्न है कि ये जो जीने की आशा है उसको कैसे देखा जाए, है ना? ये दो, ये वाले को पहले डील कर लेते हैं। जीने की आशा वाले को थोड़ा और एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा हम लोगों को, कि उसके साथ कैसे कनेक्ट करके देखें, है ना? इसको कहीं पर मार्क करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोरेशन में कैसे ऐड करेंगे, जीने की आशा को इसके साथ कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे मच्छर में और गाय में, इसको थोड़ा एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा अभी तो इस पर, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा अभी, आगे और इसको एक्सप्लोर करके करेंगे। ये वाले पे बात करते हैं, है ना, कि पशुओं में भी भाव का, है ना, और सुखी रहने का, सुखपूर्वक जीने का एक संभावना की तरफ आप बात कर रहे हैं। मानना तो उनमें स्ट्रांगली है, कुत्ते में भी है। कुत्ता आपने पाल रखा है और कहीं दूर छोड़ा ये तो वापस आ ही जाता है, बिल्ली आ जाती है 10-10 किलोमीटर ट्रेवल करके आ जाते हैं, तो मानना तो है उसमें, वो बात तो ठीक है। लेकिन हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि पशुओं में भी जो देखें तो ये जो कह रहे हैं जीने की आशा और निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा, मानव में कह रहे हैं निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा, कबूतर का उड़ जाने थे ना उड़ा लिया कबूतर इतने देर अभी लौट आते हैं कबूतर से
तो देखेंगे तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखने की जरूरत हम लोगों को पड़ रही है कि कोई भी पशु में जीने की आशा है कि निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, इसको कैसे देखें। वही एक अंतर तो ये दिखाई देता है जनरल, इन जनरल आदमी को देखें तो उसको भी भौतिक वस्तु और भाव दोनों की आवश्यकता दिखाई देती है ना, लेकिन आदमी के लिए भाव बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है ना। पशुओं के लिए भी सुविधा और भाव दोनों को ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जितना स्ट्रांगली सुविधा को रिकॉग्नाइज करते हैं उतना स्ट्रांगली भाव को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन कुछ लेवल का रिकॉग्निशन तो है ना। आदमी को देखेंगे तो आदमी इन दोनों से ही ऊपर समझ को रिकॉग्नाइज करता है, तो समझने के लिए दिन भर सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक पोजीशन में बैठा रह सकता है, बीमार होने के बाद कंबल ओढ़ के बैठा रह सकता है। तो ये जो तीव्रता है, अगर पशुओं का ऐसा वर्कशॉप चलाना पड़े तो नहीं चल पाएगा, है ना। तो ये कुछ इंडिकेटर दिखते हैं कि ये जो निरंतर सुख है जो समझ के आधार पर होने वाला है या भाव अपने में सुनिश्चित करके होने वाला है, ये पशुओं से थोड़ा अतिरिक्त हमको अपने में दिखाई देता है। पशुओं का काम तो इन दो चीज़ों से भी चल जाता है, सुविधा और दूसरों से मिलने वाला भाव, उसमें भी सुविधा प्रोमिनेंट है, भाव उतना प्रोमिनेंट नहीं। वो तो जिन जानवरों को हम लोगों ने पाल लिया है उनको थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया है, जिनको घर में पाल लिया है अब हो गया है कि वो कुत्ता पाल रखा है वो गोद में बैठेगा नहीं तो खाना नहीं खाएगा, अब हमने पाल के उसमें थोड़ा कर दिया, बट इन जनरल देखें तो भाव उतना प्रोमिनेंट नहीं। तो इसके आधार पर ये तो दिखता है कि जो सुविधा प्रोमिनेंट है वो कहाँ जा रहा है, जीने की आशा। भाव और समझ की जो प्रोमिनेंसी दिख रही है वो कहाँ जा रहा है, निरंतर सुखपूर्वक जीने, क्योंकि उसी से निरंतर सुख हो सकता है, उसमें तो थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं। बट आपका जो प्रश्न है उसको भी हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे कि उसको कैसे कनेक्ट किया करके देख पाए हम लोग, फिर उस पर बात करें। मतलब मुझे जो दिखता है अपना बताना, जैसे पशुओं को देखेंगे ना तो जीने की आशा उसमें बनी हुई है, तो उसका जब भी कोई चयन आस्वादन होता है, इसे भोजन का ही वो जब चयन करता है आस्वादन के आधार पे, तो वो ऐसे भोजन का चयन करता है जो उसकी जीने की आशा को बढ़ाए, कोई भी चयन आस्वादन। मानव में जो चयन आस्वादन की क्रिया है वो ना वो वहां पर भी सुख खोजता है, भोजन से भी सुख खोज रहा है, लेकिन पशु ना अपने, लेकिन अभी देखने जाएंगे ना तो थोड़ा इस पर और बात हो सकती है। जैसे उसी पशु हमने सूखी घास रख दीजिए, हरी घास रख दीजिए, हरी घास पर थोड़ा दाना डाल के रख दीजिए और एक विशेष प्रकार का दाना डाल के रख दीजिए, अब चॉइस तो करता ही, चॉइस तो करता ही, हाँ। तो लेकिन उसमें ये तो जरूर दिखता है कि वहां पर जाके रुक जाता है जहां पर उसका, लेकिन ये वही पशु के बारे कह सकते हैं जिनको हमने आपने ट्रेन नहीं किया है, हम आप जिनको ट्रेन कर रहे हैं अभी उनकी हालत बिगड़ने लगी है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो मुद्दा नहीं है, जिनको हमने आपने नहीं पाला है तो उसने खाया तो पेट भर के, लेकिन उसकी शारीरिक गतिविधि जितनी शरीर के लिए जरूरी थी उतनी वो कर पाया। दूसरा पशु जो हमने घर में पाल लिया, खा तो वो शरीर के उसमें जितना खा लिया, गतिविधि को हमने बांध दिया है, तो जो हालत हमने अपनी कर रखी है वही कुत्ते की कर दी, मतलब उसका उल्टा कहता तो खराब लगता। इसलिए मैंने तो पलट दिया उसको। बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए थोड़ा तीसरे वाले भाग को भी कर लेते हैं, तो इसको भी सब एक तरह से एक्सप्लोरेशन के लिए अपन ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात हुई है कि चार तरह की इकाइयाँ हैं, चार अवस्था की,
उनका ये है ना स्वभाव धर्म जो यहाँ अध्ययन किया हम लोगों ने, ये ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते। तो भैया ने कोशिश किया है थोड़ा उस पर होमवर्क करने का। तो ये चार अवस्थाएं हैं और उसके बारे ये दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देके चलेंगे। तो स्वभाव उसका पदार्थ अवस्था का, प्राण अवस्था का, जीव अवस्था का और ज्ञान अवस्था का, सिमिलरली उसका जो होने की व्यवस्था है। अब हम लोग एक तरह से एक एक इकाई लेंगे यहाँ पर, उसका कुछ रूप है, उसका कुछ गुण है, उसका कुछ स्वभाव है और उसका कुछ होने की व्यवस्था है, धर्म है ना। तो ये इकाई है, इसके रूप के बारे तो कुछ लिख ही रहा है। रूप के बारे एक और महत्वपूर्ण बात कर देते हैं। किसी भी इकाई के रूप को आंखों से पूरा पूरा देख सकते हैं क्या? नहीं। जो आंखों से देखने को हम इतना ऑथेंटिक मानते हैं उसके लिमिटेशन पे थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं। है? वही तो, अभी तो खैर दूसरी सुविधा यह है कि आप उसको उलट पुलट के एक तरह से, एक फ्रेम ये मैंने कल्पनाशीलता में लिया, एक फ्रेम ये लिया, एक फ्रेम ये लिया, एक फ्रेम ये, एक फ्रेम ये, और सारे फ्रेम को जोड़ने का काम कहाँ हो रहा है? कल्पनाशीलता। आंखों ने एक फ्रेम ये बनाया, एक फ्रेम ये बनाया, एक फ्रेम ये, एक फ्रेम ये, आंखों पे फ्रेम बदल रहा है। जिस समय ये फ्रेम बन रहा है उस समय ये फ्रेम आंखों पे नहीं है। तो ये फ्रेम बना और जब ये फ्रेम आया तो वो फ्रेम आंखों के पर्दे से हट गया, लेकिन कहाँ बना रहा? कल्पनाशीलता में आ गया वो। और इसके सारे फ्रेम को जोड़ कहाँ रहे हैं? वहीं जाकर पूरा रूप भी देख पा रहे हैं। आंखों से तो एक ही पक्ष और रूप में देखेंगे तो दो भाग और शामिल रहता फॉर्म में उसके, इसका वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी, तीन चीजों को इसमें जोड़ के देखते हैं। तो इसका वॉल्यूम भी आंखों से बहुत नहीं दिखता, इसकी डेंसिटी भी बहुत आंखों से, उसमें भी हम और सेंसरी ऑर्गन्स को लगाते हैं, उसके इनपुट को लेते हैं, दबाते हैं, उन सबको ले जाकर एनालिसिस कहाँ करते हैं? इसलिए दृष्टा कौन है? मैं ही दृष्टा है। अब लौट जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो रूप के बारे तो बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, इसके गुण को, गुण किसे कह रहे हैं? एक इकाई का दूसरे एक और प्रभाव। स्वभाव किसे कह रहे हैं? उसकी जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। और इनेक्टनेस किसे कह रहे हैं? उसके होने की जो अपनी एक व्यवस्था। तो अब इस इकाई के संदर्भ में अगर इसके गुण को सब पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे इसका गुण और इसका स्वभाव और इसका? आपके पास कॉपी है ही है, जरा लिखी। ऐसे हवा हवा में तो बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग। इस इकाई का गुण क्या देखते हैं आप? स्वभाव क्या देखते हैं? इनेक्टनेस क्या देखते हैं? वही जो भी करिए, जो भी आपको उसमें दिख रहा है, क्या ही ज्यादा ठीक बनेगा? गुण क्या है, स्वभाव क्या है और धर्म क्या है? अब लिखिए, औरों को भी थोड़ा सोचने दीजिए। भीतर भी बहुत तूफान है बेटा। हो गया, हो गया, हो गया। अब थोड़ा इसको बदल देता हूं। अब इसका लिखिए जरा। रूप के बारे तो कुछ लिखना नहीं है, इसके गुण के बारे, इसके स्वभाव के बारे और इसके धर्म के बारे। Thank you.
हो ही गया होगा। अब इकाई को बदल देते हैं, आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें, आम का पेड़ और आम दो इकाइयाँ रख लीजिए। देखिए जब तक आम का फल आम के पेड़ में लगा है तब तक वो आम का पेड़ ही है। हाँ, लेकिन फल जब तक लगा हुआ तब तक वो पेड़ में काउंट होगा, उसको तोड़ लिया तब आप अलग किए हैं उससे। तब तक तो वो पेड़ ही है, भाषा पे बात कर रहे थे। ठीक है, हो गया होगा, और समय चाहिए तो दे सकते हैं। आगे बढ़ा दें। धतूरा, अब आप करिए, पहले चर्चा बाद में करेंगे। कठिन पड़ रहा है, थोड़ा और कठिन करता हूँ धीरे धीरे। आगे बढ़े। धतूरा, आगे बढ़ जाए। इसके जो धारणा है, जो इसके होने की व्यवस्था है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ा दे। बस अब ये लास्ट,
हाँ माना कह लीजिए, माना अभी कह लीजिए, फिर जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसको देखेंगे फिर। हाँ फैमिली को ही लेके आना पड़ेगा, मतलब मानव के समूह को फिर लेके आ रहे हैं आप। जब मानव के समूह को लेके आएंगे तो कुछ चीजें निश्चित रहेंगी, कुछ बदलेंगी। शुरू किया जाए, एक ब्रीफ छोटा सा डिस्कशन कर ले। जी तो अगर मानव के इनेटनेस को देखने जाएं तो क्या होगा इनेटनेस? निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा। और स्वभाव को देखने जाएंगे तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। तो धीरता तो हमको पता ही है, वीरता भी पता है, धीरता वीरता उदारता सब अध्ययन किए हैं, नहीं तो आगे करेंगे ही। और गुण में क्या लिखे हैं फिर? तो गुण में देखेंगे तो है ना, अब आप गुण में देखने जाएंगे तो आपके घर में 10 लोग हैं लेट से, हर व्यक्ति के साथ है ना, अब आपका किस तरह से आप उसको निर्वाह कर रहे, पहचान रहे एक तरह से, मतलब आप देखेंगे उस उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति है, अब इसको अपनी बेटी के तौर पर देख रही है, कोई महिला है इसको अपने बेटी की तरह देख रही है, इसको अपने सास की तरह, दोनों ही मानव है लेकिन गुण में कोई बदलाव है नहीं है। स्वभाव तो निश्चितता में बना ही हुआ है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना। हाँ हाँ हम उसको कि अपने गुण को तय कर रहे हैं या उसको इग्नोर करके, उसके आधार पर गुण में वेरिएशन, लेकिन स्वभाव तो निश्चित है आपको है। तो अगर इसे इसको देखेंगे तो इसको पति के रूप में देख रही है कोई महिला, इसको बेटे के रूप में, तो दोनों जगह जो है जो गुण को देखेंगे अलग अलग देखने लगता है। तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको देखते हैं इसका क्या है इनेटनेस, जीने की आशा। प्रॉपर्टी में देखेंगे तो संबंध भी लिख सकते हैं, विरोध भी लिख सकते हैं, इच्छा भी लिख सकते हैं, है ना, स्नेह भी लिख सकते हैं। जानना मानना तो एक तरह का मतलब वो एक तरह से रिस्पॉन्स, वो अलग तरह का, वो अलग बात है। गुण लिख रहे हैं ना, उसको गुण कह रहे हैं। गुण में भाई जो जिस है ना, जो हम दूसरे व्यक्ति के साथ जिस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं वो सब गुण में आएगा, वही हाँ वही संबंध है, विरोध है, स्नेह है, द्वेष है ना, या कोई स्किल है वो भी एक तरह से इसमें आएगा। हाँ वो इसमें आएगा। अब अगर आदमी पशु का देखें इसका, तो इसका स्वभाव क्या है, तो सॉरी इनेटनेस, इनेटनेस जीने की आशा, और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्रूरता और अक्रूरता है ना। प्रॉपर्टी को देखने जाएंगे तो क्या है, अलग और एक ही जानवर के साथ अलग अलग समय अलग अलग तरह से भी प्रस्तुत होता है। भूख लगी है तो अलग ढंग से प्रस्तुत हो रहा है, भूख नहीं लगी है तो अलग ढंग से हो रहा है। स्वभाव तो उसका क्रूर अक्रूर बना ही हुआ है वही तो, लेकिन पशु के लिए देखने जाएंगे तो उसका जो गुण है उसके स्वभाव से ड्राइव हो जाता है,
इसलिए गुण को देख के स्वभाव के बारे में निश्चितता से कह सकते हैं, उसके गुण को देखकर पशु के उसके स्वभाव के बारे में निश्चितता से कह सकते हैं। आदमी के गुण को देखकर उसके स्वभाव के बारे में निश्चितता से नहीं कह सकते कि उसका गुण स्वभाव से आ रहा है। निश्चित डिफाइन तो इससे हो रहा है, यहाँ तो वेरिएशन हो सकते हैं। इसका गुण वही, तो ये तो स्वभाव है ना, हिंसक और अहिंसक, क्रूरता अक्रूरता, उससे ये डिराइव हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए कह रहा है कि पशु का जो गुण है उसके स्वभाव से डिराइव होता, गुण देख के स्वभाव के बारे कह सकते हैं निश्चितता से। क्रूरता अक्रूरता इसका स्वभाव है ना, उसमें क्रूरता ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन अक्रूर भी है, क्रूरता अक्रूरता दोनों है, इसीलिए दोनों लिख रहा है। ह्यूमन बीइंग में देखेंगे ना, तो ह्यूमन बीइंग में सेल्फ का मुद्दा आ गया, तो भले आप अक्रूरता भी कर रहे हैं और क्रूरता भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने आप से पूछेंगे कि दोनों में सहज स्वीकार क्या है आपको, तो उसका एक निश्चित उत्तर आएगा। तो आप क्रूरता भी कर सकते हैं और लेकिन मैं क्रूरता अक्रूरता किस अर्थ में कर रहे हैं, धीरता वीरता उदारता दया कृपा और करुणा, आप दीनता हीनता क्रूरता भी कर सकते हैं, तो चॉइस तो दोनों की है आपकी, लेकिन दोनों में सहज स्वीकार कौन सा है, धीरता वीरता उदारता, इस क्रम में आदमी में वो डिफाइन हो जाता है। अमानवीय चेतना के साथ भी है तो भी स्वभाव तो उसका निश्चित ही है, वो उसको रिफर नहीं कर रहा ये अलग बात है, अदरवाइज आप सहज स्वीकृति से देखने जाएंगे तो धीरता वीरता उदारता ही सहज स्वीकार है। इसमें गाय में भी देखेंगे तो इनेक्टनेस तो वही है, यहाँ पर भी क्रूरता अक्रूरता, अब यहाँ पर देखेंगे तो अक्रूर वाला बढ़ गया, क्रूर वाला घट गया, इसके भी बच्चे को आप मारने जाइए तो आपको उठा के पटकी सकती है। ऑल्दो अक्रूरता और क्रूरता को ही सेंस में डिफाइन कर रहे हैं कि अगर अपने शरीर के पोषण के लिए दूसरे के शरीर को छीन के खाने के लिए हम अगर विवश हैं तो वो क्रूरता है, अगर दूसरे के शरीर को छीन के खाना जरूरी नहीं है तो वो कहाँ आ गया, अक्रूर में आ गया। एक ब्रॉडर लाइन डेफिनेशन देखें तो ऐसा है। गुण में क्या रखेंगे, गुण तो आप देखेंगे तो जमीन के अर्थ में देखने जाएंगे तो भागीदारी है उसको फर्टाइल, मनुष्य के शरीर और दूसरे पशुओं के शरीर को पोषण दे रही है, इस तरह से कई गुण इसके हम देखें। वो भी देख कर सकते, चलिए तो अब इसको यही रोक लेते हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे, अब अपने पास 10 मिनट का समय शेष है तो अभ्यास 2 को थोड़ा सा 10-15 मिनट कर लेते हैं। थोड़ा भैया इसको यही रोक दें भैया, हाँ वो लगा दीजिए स्लाइड अभ्यास 2 वाली। अगर इसको करेंगे तो बस यही कर पाएंगे। आप स्लाइडर का अपने से कर लीजिएगा, स्लाइडर के गुण की बात है तो गुण इसका देखने जाएंगे तो है ना, तो स्वभाव तो इसका संगठन विघटन हो गया, लेकिन इसका गुण देखने जाएंगे तो ये भी एक गुण है, ये भी एक गुण है जो आगे पीछे कर रहे हैं, ये सब इसके गुण है।
भैया अगर स्टेप टू को करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा उसको कंप्लीट करके भी क्लोज कर सकते हैं क्या? मतलब अभ्यास टू के स्टेप टू को 5-10-15 मिनट करने की जो बात हुई थी उसको करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा इसको आगे बढ़ा कर क्लोज भी कर सकते हैं, कर लो बस यही। आई तो थोड़ा ही समय अपने पास 10 से 15 मिनट का समय है तो हम लोग सुबह अभ्यास वन को इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने, तो हम लोग कल्पनाशीलता को जब देख रहे हैं तो एक तरह से चैतन्य क्रिया को देख रहे हैं, तो चैतन्य क्रिया को देखने के आधार पर मैं भी हूँ उसकी स्पष्टता होती है। शरीर में बहुत तरह की जो संवेदनाएं हो रही हैं उसको जब देख रहे हैं तो शरीर में होने वाली क्रियाओं को देखने के आधार पर शरीर के होने की स्पष्टता हो रही है। स्टेप वन को देखें तो बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब इस बात की तरफ हमको लेके जा रहा है कि मैं भी हूँ शरीर भी है, और अब इन दोनों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से तय कर रहा हूँ, किसी लॉजिक से तय नहीं कर रहा। तो सेल्फ की क्रियाओं को देखने के आधार पर मैं ये कह पा रहा हूँ सेल्फ भी है, जिसमें मुझे शरीर के किसी भी ऑर्गन का कोई प्रयोग नहीं करना पड़ रहा उसको देखने के लिए। शरीर में हो रही संवेदना और क्रियाओं को देखने के आधार पर मैं ये कह पा रहा हूँ कि शरीर भी है, और ये दोनों वास्तविकताएं हैं। अब यहाँ कुछ भी लॉजिक तर्क से नहीं तय कर रहे, अब सीधे सीधे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से तय कर रहे, तो मैं भी हूँ शरीर भी है। 2-3 मिनट हम इस ऑब्जर्वेशन पे लगाएं, मैं और शरीर दोनों ही वास्तविकताओं को देखने के लिए। एक बार अभ्यास वन को हम देख पाए तब अभ्यास टू की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ और बॉडी में जो आदान प्रदान हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो हमारा सेल्फ शरीर को कुछ संकेत दे रहा है, तो जिस समय मैं संकेत देने का निर्णय ले रहा हूँ वो मेरे सेल्फ में एक निर्णय हो रहा है, उसके प्रति मैं होश में हूँ कि नहीं। निर्णय होते ही मैं शरीर को वो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो शरीर में कुछ गतिविधि होती है। शरीर में जो गतिविधि हो रही है उसकी संवेदना को मैं रीड कर रहा हूँ, वापस फिर उसके आधार पर सेल्फ में कुछ निर्णय बना रहा हूँ। आवश्यकता पड़ती है तो पुनः उस संकेत को शरीर को देता हूँ, नहीं महत्वपूर्ण मानता तो संकेत नहीं देता हूँ। शरीर से फिर कोई सूचना आती है, महत्वपूर्ण दिखता है तो मैं रीड करता हूँ, नहीं महत्व देता हूँ तो रीड नहीं करता हूँ। कान तक, आँख तक, शरीर के त्वचा तक वो सूचनाएँ तो यथावत आती रहती हैं। तो मेरा सेल्फ कुछ निर्णय बना रहा है, वो निर्णय संकेत के रूप में शरीर को दे रहा है, शरीर में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ गतिविधि हो रही, कुछ संवेदना हो रहा है, सेल्फ चॉइस बेस्ड उसको पढ़ रहा है। तो सुबह हम लोगों ने एक छोटा सा अभ्यास किया था सांस को रोककर इस दोनों तरह की गतिविधि को देखने का, अभी आप सामान्य शरीर पर ध्यान रख करके इसको देखेंगे कि शरीर आपका एक पोजीशन में है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज करते समय पूरे होश को बनाए रखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक पोजीशन में शरीर में कुछ संवेदना हुई, उस संवेदना को आपने पढ़ा, पढ़ के एक निर्णय बनाया कि अभी कोई चेंज नहीं करना है पोस्चर में, तो शरीर वैसे ही बना रहा। एक पॉइंट पर आपने निष्कर्ष लाया कि इससे थोड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ा पोस्चर बदलते हैं, तो पोस्चर में शरीर को और सीधा करना है या थोड़ा ढीला छोड़ना है,
ये निर्णय आपने सेल्फ में बनाया, अकॉर्डिंगली आपने बॉडी को संकेत दिया, जैसा संकेत दिया वैसा बॉडी में गतिविधि हुई और वापस फिर हमने उस संवेदना को रीड किया। तो अपने को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल्फ और बॉडी में हो रहे ट्रांजेक्शन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। चाहे मैं संकेत दे रहा हूं या संवेदनाओं को पढ़ रहा हूं, ये सिर्फ सूचनाओं का ही आदान प्रदान है, कोई भौतिक रासायनिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है। थोड़ा समय उस अभ्यास 2 को और गहरा करने की दृष्टि से अगले 5 मिनट के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप शरीर में कोई भी मूवमेंट ना करें और फिर देखें कि शरीर में क्या हो रहा है और आपके सेल्फ में क्या हो रहा है। तो एक पोजीशन में 5 मिनट के लिए शरीर को स्थिर कर दें, ना शरीर को ढीला छोड़ें, ना टाइट करें, ना हाथों में मूवमेंट करें, कोई भी गतिविधि आप शरीर में ना करें। आप ऑब्जर्व करें कि आपके सेल्फ में क्या हो रहा है और शरीर में क्या हो रहा है। तो हो सकता है शरीर में कुछ संवेदना हो रही हो, उससे आप पीड़ा महसूस कर रहे हो, लेकिन उस पीड़ा की संवेदना को आप रीड करें और ध्यान दें। आपने सेल्फ में अगर निर्णय है कि वापस उस में कुछ बदलाव करना है या वैसे ही बनाए रखना है, तो ये काम सेल्फ में हो रहा है। आपने निर्णय बनाया कि अभी कुछ मिनट और ऐसे ही बनाए रखना है, तो शरीर को वैसा संकेत देते हैं। तो उस पीड़ा की संवेदना के साथ शरीर उस स्थिति में बना रहता है, हो सकता है वो पीड़ा और बढ़े, आप उसको रीड करते हैं। शरीर में हो रहे हलचल को अब आप रीड कर रहे हैं, पुनः सेल्फ में वापस उस पर कुछ निर्णय बना रहे हैं। तो किस क्षण शरीर में संवेदना को आप रीड कर रहे हैं, कब सिर्फ सेल्फ में निर्णय बना रहे हैं, होश पूर्वक इसको देखने का प्रयास करें। कब वो जो निर्णय आप बनाएं उसको संकेत के रूप में शरीर को देंगे या दे रहे हैं, और कब कब शरीर में हो रही गतिविधियों को आप रीड कर रहे हैं, कब रीड नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को होश पूर्वक देखें।
हो सकता है किसी अंग विशेष में थोड़ा इचिंग होने लगे, लेकिन उस इचिंग की संवेदना को भी पढ़ें, कोई मूवमेंट ना करें और देखें कि सेल्फ में क्या हो रहा है। फिर चलिए यही रोक लेते हैं। अरे बताइए, कोई एक आध लोगों का ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं? अच्छा जी बताइए। माइक पहुंच पाए? माइक है आपके पास? जी भैया, तो जब ऑब्जर्व कर रहा था तो शरीर को जब शांत किया, उसके पहले जब शरीर को और सेल्फ को देख रहा था, शरीर को शांत किया से आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर के मूवमेंट को रोका? जी, तो पहले ऐसा पहले उसी को बताते हैं, जब शरीर के मूवमेंट को स्थिर कर दिया तो थोड़ी देर के बाद एहसास हो रहा था कि पेट जब सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता है और बाकी शरीर का कोई आभास नहीं हो रहा था, लेकिन सेल्फ उसको देख रहा था। और उसके थोड़ी देर के बाद थाई में और कमर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन सेल्फ उसको कहा कि मत देखो, उसको देखना नहीं है, उसी स्थिति को बनाए रखना है। तो आराम से उसी स्थिति को बनाए रखते हैं, ये तो जब अस्थित किए तब का था। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन ये है जी कि सांस लेने के साथ पेट में कोई मूवमेंट हो रहा है, उस हलचल को सेल्फ ने रीड किया तो शरीर में होने वाली संवेदना को हमने पढ़ा उस समय जी। और हम जब एक निश्चित पोस्चर में बिठाए और शरीर में कमर में पैर में कहीं दर्द हो रहा है, उस समय भी संवेदना को ही हमने पढ़ा शरीर में जो है, उसके आधार पर हमने अपने में एक निर्णय बनाया कि दर्द होने दो, पोस्चर नहीं बदलेंगे। तो ये जो प्रक्रिया चली वो कहाँ चली? सेल्फ। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन बीच में देख पाए इस पर। और जब उसके पहले सेल्फ और शरीर को अलग अलग करके देख रहे थे तो देख पा रहे थे कि शरीर में यदि पैर के पास भी इचिंग हो रहा है तो सेल्फ वहां भी महसूस कर रहा है, उस इचिंग को भी रीड कर पा रहा है। तो इसमें हम ये देख जो समझ पा रहे हैं वो सही है या देख लीजिए वो बता दीजिएगा कि सेल्फ पूरा शरीर में सेल्फ का विस्तार है, जहां कुछ भी होता है तो वहां से उसको सूचना मिलती है थ्रू मेधास या जिस भी तरह से वो मिलता हो, लेकिन जहां भी हम देखना चाहते हैं शरीर के जिस अंग में, यदि हम वहां हाथ नहीं ले जाते हैं तो भी वहां पर कुछ हलचल होती है, उसका आभास होता है और सेल्फ में कल्पनाशीलता चलती है और एक दूसरे का जो संवेदना है या सूचना है उसका आदान प्रदान होता है। जी भैया, तो ये बात तो ठीक है कि आप कल्पनाशीलता को भी देख पाए और शरीर में कुछ गतिविधि हो रही थी उसको संवेदना के रूप में रीड कर पाए। जी, उससे पहले स्टेप में एक स्पष्टता बनी कि शरीर भी है और सेल्फ सेल्फ, बाकी जो आपका मुद्दा उस पर आगे आने वाले स्टेप्स में बात करेंगे। जी भैया बढ़िया। और कोई लोग, एक लोगों को और सुन लेते हैं, इधर माइक ले लेते हैं। अधिक माइक हाँ, कोई बात नहीं, उनको पकड़े ले लो। मैं भैया, जब ऑब्जर्वेशन हो रहा था ना उसमें आपका आवाज काफी कम हो गया, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि शरीर थका है चलो इसको आराम दे देते हैं, तो झपकी लगी तो गर्दन पीछे को गिरी, तो वो जो गर्दन पीछे मतलब आराम देने तक का निर्णय मुझे लग रहा है कि वो मेरा ही था कि आवाज़ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, पर वो जो गर्दन पीछे गिरी तो मुझे लगता है वो जड़ के नियम के अकॉर्डिंग गिरी, क्योंकि है ना, तो वो निर्णय तो शायद मेरा नहीं था, फिर मैं एकदम ऐसे सीधी हो गई। तो उसमें एक निर्णय तो इन्वॉल्व था कि अब मैं शरीर के नियंत्रण को बहुत ध्यान नहीं दूंगी,
शरीर के संतुलन को बहुत ध्यान नहीं दूंगी, ये निर्णय तो सेल्फ का इन्वॉल्व भी था, तभी वो झटका लगा ऐसा, तो उसमें सेल्फ का तो निर्णय था। भैया इसमें कोई क्रम जरूरी है ना, ऊपर नीचे ऐसे वैसे, जहाँ संवेदना आई वहाँ जाकर देखना है? अभी तो कोई क्रम की बात नहीं हो रही है, शरीर के किसी भी पार्ट में कोई संवेदना आ रही है उसको रीड करने से इतना तो पता लग जाता है कि शरीर है, आँखों के खोले बगैर भी, है ना, चाहे किसी भी अंग में, तो उसमें क्रम की बात तो अभी नहीं कर रहे कोई। और मुझे एक शेयर करना था कि शायद छोटे बच्चों को सेल्फ का अवेयरनेस होता है। एक टाइम से बताती हूँ कि मेरी बेटी कुछ 3 साल की थी, तब एक दिन उसे शायद सपना आया, तो उठते ही उसने बताया कि मम्मी मेरी आँखों को आँखों में सपना दिखा, ऐसे उसने बताया। तो हो सकता है उसके मैं को समझ में आया कि ये आँखों ने देखा, या फिर उसे वैसे लगा था। शरीर भेद छोड़ दें तो हम लोग भी बच्चे ही हैं। यात्रा में है जी। मेरे काफी सारी भैया जैसे थी, एक मैं संवेदना को रीड कर पाई कि मैं देख पाई कि मुझे थोड़ी प्यास का की संवेदना मैंने पढ़ी, फिर मैंने डिसीजन लिया स्लाइवा रिलीज नहीं करना। तो एक बार फिर से मैंने सेंसेशन रीड की और लग रही है, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया रिलीज करना है। एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन ये भी आया कि स्लाइवा पे भी रिलीज होने में सेल्फ का निर्णय है। अब रसगुल्ला याद करके देखिए कितनी देर रोक पाती है, स्लाइवा को कितनी देर मुंह में रोक पाती है। ठीक। और ऑब्जर्वेशन ये भी हुआ, बाहर से जो भी सूचना मिल रही थी जैसे गड़गड़ा रहे थे, तो वो भी उसको सुन पाई, फिर उसको इंटरप्रेट भी कर पाई कि तूफान या बारिश का वो हो रहा है। बाकी लोगों के ऑब्जर्वेशन को भी कल सुबह के सत्र में फिर हम लोग सुनेंगे। 2 मिनट में हम लोग इस सत्र में जो जो कुछ किए हैं उसको कंक्लूड कर लेते हैं, तो थोड़ा स्थिर होकर थोड़ा सीधा बैठ जाएं और इस 1.5 घंटे में जो कुछ भी किया है उसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे। एक महत्वपूर्ण काम तो हम लोगों ने ये किया है कि अभी आवाज़ आ रही है, तो एक काम तो ये किया है कि कौन सी इकाइयाँ जड़ हैं और कौन सी इकाइयाँ चैतन्य हैं, कौन सी इकाइयों में चैतन्य है, इसको समझने का काम किया है उदाहरण के साथ। तो एक महत्वपूर्ण बात उसमें निष्कर्ष के रूप में ये बना कि जिन भी इकाइयों में जानना और मानना की गतिविधि दिखाई देती है उसमें सेल्फ है, जिसमें से पहचानना और निर्वाह करना है, जानना और मानना नहीं है, उसमें सेल्फ नहीं है। तो किन इकाइयों में जानना मानना है जिनकी एक तरह से ट्रेनिंग हो सकती है, जिनमें समझने का प्रक्रिया चल रहा है, तो इन सब के आधार पर हम लोगों ने कुछ बहुत सारे उदाहरणों को देखने का कोशिश किया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात की है कि मेधस एक इम्पॉर्टेंट अंग है सेल्फ के होने के लिए। एक तीसरी बात ये किया कि ये जो सप्त धातु है ना, अस्थि मांस मज्जा रक्त मेधस, इस तरह से ये जिन भी शरीर में है उनमें सेल्फ, तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिनके आधार पर हम सेल्फ के होने नहीं होने को तय कर पाते। चौथी बात हम लोगों ने ये आज किया कि 4 तरह की अवस्थाएं हैं 3 तरह की वास्तविकताओं के संयोजन में, स्पेस जड़ और चैतन्य, इन तीनों के संयोजन से 4 तरह की अवस्थाएं दिखती हैं। किस इकाई को किस अवस्था में रखेंगे उस पर भी हम लोगों ने एक अभ्यास करने का प्रयास किया। फिर तीसरा काम ये किया कि विभिन्न इकाइयों के रूप गुण स्वभाव और धर्म को समझने का प्रयास किया। 3 अभ्यास तो ये किया, कुछ स्पष्टता बढ़ी होगी, कुछ कन्फ्यूजन बढ़ा होगा, आगे प्रयास करेंगे तो उस पर पुनः स्पष्टता होगी। और इस एक्सप्लोरेशन को अस्तित्व की जितनी इकाइयाँ दिखती हैं उन सब के लिए हम एक एक करके जाँच परख जारी रखें। उसके बाद हम लोगों ने शरीर को सेल्फ से देखने के काम को शुरू किया, तो सेल्फ में हो रही कल्पनाशीलता को देखने के आधार पर सेल्फ के होने को देखा, शरीर में हो रही संवेदना को रीड करने के आधार पर शरीर को देखा, फिर शरीर और सेल्फ में हो रहे संकेत और संवेदनाओं के आदान प्रदान को भी अध्ययन किया कि
फिर सेल्फ निर्णय लेता है, फिर शरीर को संकेत देता है, शरीर में उस संकेत के आधार पर गतिविधि होती है, पुनः वहाँ जो हलचल हुआ उसको सेल्फ रीड करता है और फिर उसके आधार पर अपने भीतर कुछ प्रोसेस करता है। तो हम सेल्फ और शरीर के बीच में होने वाले इस आदान प्रदान को भी देखने का प्रयास किया। इतना काम हम लोगों ने पिछले 1.5 घंटे में किया है। आगे जब हम लोग शाम में या कल सुबह मिलेंगे तो इसको पुनः आगे बढ़ाएंगे।